अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पेपर लीक को बताया बीजेपी की आदत। जी हाँ, इन दोनों हर तरफ सिर्फ एक ही मुद्दा छाया है और वो है पेपर लीक का। इन दोनों जैसे पेपर लीक की बहार सी आ गई है। एग्जाम बाद में होता है, पेपर लीक पहले हो जा रहा है। एक तरफ युवा बेरोजगारी से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक की वजह से उनका मनोबल गिर रहा है। इन सब के बीच नेताओं के बयान तो बिल्कुल पन्ना फाड़ है, जिसमें से अखिलेश यादव का बयान तो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। पेपर लीक मामले में कोई कह रहा है कि अब तक किसी भी सरकार में इतना पेपर लीक नहीं हुआ, तो कोई कह रहा है कि बच्चों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, यानी हर तरफ सरकार पर ही उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो इससे एक कदम आगे निकलते हुए ऐसा बयान दे डाला ये सुनने के बाद शायद बीजेपी वाले भी हैरान हो और उनके समर्थकों को तो ये बयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले ये आपको ये बयान सुनाए, जरा पेपर लीक मामले में अपडेट देते हैं। दरअसल अब तक इस घोटाले में करीब 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो चलिए आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं, ये सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएं और आपके मन में आए कि आखिर बातों ही बातों में अखिलेश यादव ये क्या बोल गए। दरअसल संसद से निकलते हुए जब रिपोर्टर ने अखिलेश यादव से पेपर लीक के पर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, यह भाजपा का पुराना तरीका है। लेकिन इसके बाद जो अखिलेश यादव ने कहा वो आप खुद सुन लीजिए। ये कोई नई चीज नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। अखिलेश जी, और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात, तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराती है। उत्तर प्रदेश में यह बहुत बड़ा मुद्दा था और अब यह दिल्ली तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव का बयान एक बार फिर से सुनिए। ये कोई नई चीज नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। अखिलेश जी, और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात, तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अपने लोगों को खुश कराने के लिए पेपर लीक कराती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें खुश कराने के लिए बीजेपी पेपर लीक कराती है और अखिलेश यादव ने आखिर ये बयान क्यों दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।